स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फंटेसी दूरदर्शन पे। दोस्तों कर दीजिएगा मेरी वीडियो को लाइक और इस मैच की जो फाइनल अपडेट है वो मैं आपको टेलीग्राम पे देने वाला हूं, तो टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़ना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। टेलीग्राम पे जुड़ना बेहद आसान है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको नीचे जाना है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको एक नीले रंग का लिंक मिलेगा, तो उस लिंक के साथ ज्वाइन हो जाएगा। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्जेस आपको नहीं देना है, बट इसके जो बेनिफिट आपके लिए बड़े रहेंगे। तो बात करते हैं आज के मुकाबला की। ये मुकाबला ऑरिस वर्सेस अलवेल के बीच में खेला जाएगा। दोनों टीमें पांच पांच मुकाबला खेल चुकी हैं और तीन तीन वॉन कर चुकी हैं। हालांकि ऑरिस की टीम का एक मुकाबला ड्रॉ रहा था, बट दोस्तों दोनों टीमें सेम जैसी आ जाती हैं। लास्ट हेड टू हेड की बात करें तो ऑरिस की टीम है जो अलवेल को 34 रन से मात दे चुकी है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं हाई कॉन्फिडेंस के साथ खेल फिर नजर आएगी टीम ऑरिस। राव मोहम्मद और प्रवीण सिंह अलवेल टीम के दो मोस्ट रन लगाने वाले प्लेयर आ जाते हैं। राव मोहम्मद जिन्होंने पांच मुकाबला खेला है 154 की स्ट्राइक रेट के साथ अभी तक 125 रन बना चुके हैं, 57 रन इनका हाईएस्ट स्कोर आ जाता है और दो टाइम नाटो टपारी खेल चुके हैं। प्रवीण सिंह दोस्तों जो बॉलिंग और बल्लेबाजी दोनों में अच्छी क्लासिकल फॉर्म में नजर आ रहे हैं, पांच मुकाबले में 91 रन बना चुके हैं, स्ट्राइक रेट 157 की रहती है, स्ट्राइक रेट काफी ज्यादा रहती है मोहम्मद के मुकाबला में, एक टाइम नाटो टपारी खेल चुके हैं और हाईएस्ट स्कोर इनका 35 आ जाता है। हालांकि रन कम बनाते हैं बट दोस्तों क्रीज पे जितना टाइम खड़ते हैं चौकों और सक्कों के साथ पारी खेलते हैं, तो अच्छा खासा बोनस आपको दिला सकते हैं चौकों और सक्कों के जरिए ड्रीम इलेवन के ऊपर। तो टीम ओयो के कुलदीप पोलिया दोस्तों जो कि सबसे ज्यादा रन लगाने वाले प्लेयर आ जाते हैं और इसकी टीम में से पांच मुकाबले में 144 रन बना चुके हैं 155 की स्ट्राइक रेट के साथ, स्ट्राइक रेट इनकी बहुत अच्छी रहती है, इन्हें चेज करना भी काफी अच्छा लगता है। जब जिस चेज करने उतरते हैं तो इनकी स्ट्राइक रेट है वो 160 के ऊपर की चली जाती है, हाईएस्ट को 46 रन आ जाता है और अभी तक किसी भी मुकाबले में शून्य पे आउट नहीं हुए हैं, तो अच्छी खासी पिकअप रहेगी। गोलियां इन तीनों को ज्यादा टीमों के लिए ट्राई कीजिएगा, अच्छी क्लासिकल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो बात करते हैं बल्लेबाजी सेक्शन की, जहां पे पॉलो बूची माजा टीम ऑरेंज के एकमात्र ऐसे प्लेयर आ जाते हैं जो कि वन मैन आर्मी का रोल अदा करते हैं। बल्लेबाजी सेक्शन और बॉलिंग दोनों में क्लासिकल फॉर्म में नजर आ रहे हैं, पांच मुकाबला खेल चुके हैं, 8 विकेट ले चुके हैं, इको बहुत कम रहती है, ज्यादातर बल्लेबाज इन्हें रोककर खेलते हैं, औरों की पिटाई करते हैं। 4 विकेट एक मुकाबला में ले चुके हैं, इसके अलावा 3 विकेट ले चुके हैं एक मुकाबला में, तो अच्छी पिकअप रहेगी, बढ़िया पिकअप रहेगी, इस प्लेयर को ड्रॉप करने की गलती मत कीजिएगा। प्रवीण जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं दोस्तों बल्लेबाजी सेक्शन में, तो जहां पे 5 विकेट मैचेस खेलने के बाद 5 विकेट ले चुके हैं, इको बहुत कम रहती है दोस्तों, 6.45 की इको के साथ खेलते हैं, तो जे प्लेयर भी आपके लिए ड्रीम चेंजर रहेगा आज के मुकाबला में। तो दोस्तों ये चार प्लेयर ऐसे रहेंगे जिनको लेके आपने ज्यादा टीमें ट्राई करनी है। तो बात करते हैं बेशकरपोर्ट की, तो ये मुकाबला आज शाम 3 बजे खेला जाएगा, कार्डियो क्रिकेट ग्राउंड इसका जो वेन्यू रहेगा। पिच रिपोर्ट पे आते हैं, तो जे पिच है जो बॉलिंग को सपोर्ट पर रहेगी, ऐसा कहना है राहुल भारद्वाज का। राहुल भारद्वाज को ऐसा कैसे पता चला कि जे पिच है जो बॉलिंग को सपोर्ट करेगी, बिकॉज राहुल जहाँ पे 3 मुकाबला खेल चुके हैं और अभी तक 4 विकेट ले चुके हैं, तो यही रीजन है कि हमें ज्यादा पेसर ट्राई करने होंगे और स्पिनर को भी जरूर मौका दीजिएगा। शॉर्ट बाउंड्रीज पाई जाती हैं जहाँ पे जो पेसर बॉलर होते हैं उनके साथ बाउंड्रीज को क्लियर करना आसान रहता है और स्पिनर के पास थोड़ा सा मौका रहता है डेथ ओवर्स में दोस्तों विकेट निकालने का, बिकॉज क्लियर हिट नहीं होती, स्पिनर बॉलिंग को बाउंड्री के पार ले जाना काफी दिक्कत भरा काम रहता है। और फोकस कीजिएगा बैटिंग ऑर्डर पे, ऊपर के 5 बैटिंग ऑर्डर को मोस्ट पिकअप कर लीजिए, बिकॉज नीचे का जो लोअर और मिडल ऑर्डर रहेगा उसकी बल्लेबाजी आने के चांसेस कम रहेंगे, ऊपर की विकेटें अगर गिरती हैं तभी उनकी बल्लेबाजी आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो T10 मुकाबला है, ज्यादा फोकस कीजिएगा ऊपर की बल्लेबाजी के ऊपर। एवरेज स्कोर पे आते हैं, तो एवरेज स्कोर दोस्तों हमें 90 के आसपास का देखने को मिलेगा टोटल, और फर्स्ट इनिंग में 90 या 100 के आसपास का स्कोर देखने को मिल सकता है। जो टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरेगी उसके जो विनिंग चांस है वो 80% रहेंगे और सेकंड टाइम बल्लेबाजी करने वाली टीम के 60% चांस रहने वाले हैं। तो जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी उसके पक्ष में ज्यादा टीमें बनाएगा, बिकॉज जहां पे चेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो बात करेंगे अभी दोस्तों मेरी ड्रीम इलेवन की टीम के बारे में, तो चलिए सीधा ले चलता हूँ आपको ड्रीम इलेवन के ऊपर। दोस्तों बात करेंगे डीपली मेरी बनाई हुई टीम के बारे में। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर दीजिएगा, जल्द से जल्द मैं अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम में लेके आ रहा हूँ आपके लिए सभी मैचेस की, खास तौर पे आईपीएल की। तो दोस्तों जो चीज़ आप मिस ना कर पाए तो मेरे साथ जरूर जुड़िएगा, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी से और दोस्तों बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। विकेट कीपर सेक्शन में पिकअप करेंगे कुलदीप गोलिया को, इनके अलावा आपको टी सिंह और काजी खेलते मिल जाएंगे। डर लगातार टीम से बाहर है तो इन्हें ड्रॉप कर दीजिएगा अगर लगा रखा है। कुलदीप जो कि लास्ट मुकाबले में 3 छक्के और 5 चौकों के साथ 46 रन की पारी खेल चुके हैं 219 की स्ट्राइक रेट के साथ, नंबर वन पे खेलने आते हैं, ओपनर प्लेयर आ जाते हैं, पावर प्ले के चलते बल्लेबाजी करते मिल जाएंगे। पावर प्ले में क्या होता है कि थोड़ा सा ऐसे वगैरह भी लगता है, तो ज्यादा चांस रहते हैं चौका या छक्का लगने के। तो मस्ट पिकअप रहेगी, गोलिया को ट्राई कर लीजिएगा। इनके अलावा टी सिंह मिडिल ऑर्डर में खेलने आते हैं तो दोस्तों इस प्लेयर को ड्रॉप कीजिएगा, इनकी बल्लेबाजी आने के कम चांस रहेंगे। काजी आपको ओपनिंग करते मिल जाएंगे, लास्ट मुकाबले में 10 रन की पारी खेल चुके हैं, थोड़े से हिट और मिस प्लेयर आ जाते हैं, अगर आप हेड टू हेड खेलना चाहते हैं तो काजी को भी ड्रॉप कर दीजिएगा, ग्रैंड लीग या रिस्की टीम के लिए इस प्लेयर को ट्राई कर लीजिएगा।
दोस्तों बल्लेबाजी सेक्शन में पिकअप करेंगे जहां पे ग्रीन शीट को, इनके अलावा के पाटिल को और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अलवे टीम के रॉ मोहम्मद को। ग्रीन सीट जो कि दोस्तों ओपनर पे आ जाते हैं, लास्ट हेड टू हेड मुकाबला में अलवेल के खिलाफ नाटो ट्रैकर 70 रन की पारी खेल चुके हैं। स्ट्राइक रेट काफी अच्छी रहती है, 248 की स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं और इन्हें भी चेज करना काफी अच्छा लगता है। तो ग्रीन सीट के साथ कौरव पाटिल को ट्राई करेंगे जो कि मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने आते हैं। अगर टॉप ऑर्डर फ्लॉप नजर आता है तो किसी भी लीग में अच्छा खासा कमबैक जहां पे पाटिल हमें करवा सकते हैं, बल्ले और बॉलिंग दोनों से अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं। अभी तक इस लीग में 4 विकेट ले चुके हैं, इनको बहुत कवर रहती है और मिडिल ओवर फेंकते मिल जाएंगे। मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाज खुलकर खेलते हैं, बड़े स्ट्रोक लगाते हैं जिसके चलते ज्यादा चांस रहते हैं विकेट के गिरने के और आपको ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते मिल जाएंगे। तो इनके अलावा रॉ मोहम्मद को ट्राई कर रखा है जिसका रिकॉर्ड मैं आपको पहले बता चुका हूँ। रॉ मोहम्मद नंबर 3 पे बल्लेबाजी करने आते हैं और काफी सारी पारियां नॉट आउट ट्राई कर भी खेल चुके हैं। लंबा समय क्रीज पे टिकते हैं, अगर टारगेट कम मिलता है तो दोस्तों सलामी बल्लेबाजों के साथ मिलकर ही टारगेट को पूरा कर देते हैं। दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में पिकअप करेंगे जहां पे राणा सर्वर को, इसके अलावा बूची मैजा को और नंबर 3 पे जहां पे प्रवीण को ट्राई करेंगे और दोस्तों नारायण आपके लिए बढ़िया पिकअप रहेगी। राणा सर्वर लास्ट ओवर में 28 रन के साथ 2 विकेट ले चुके हैं और मोहम्मद के बाद नंबर 4 पे बल्लेबाजी करने आते हैं। बूची मैजा की बात किए तो अभी तक 8 विकेट ले चुके हैं, एक मुकाबला में 4 विकेट ले चुके हैं, बल्ले और बॉलिंग दोनों से आपको अच्छा खासा बेनिफिट दे सकते हैं। पेस बॉलिंग करते हैं, एक ओवर मिडल का फेंकते हैं और एक ओवर डेथ ओवर में फेंकते हैं, तो अच्छी पिकअप रहेगी। इनके अलावा नवाज भी खेलते मिल जाएंगे, अगर इसकी टीम बनाते हो तो नवाज को भी ट्राई कर लीजिएगा। गगनदीप सिंह भी खेलते मिल जाएंगे, दोनों में से किसी एक को ट्राई कर लीजिएगा, टीम अलवेड के दोनों प्लेयर्स को ट्राई मत कीजिएगा। दोस्तों प्रवीण सिंह जो कि काफी अच्छा मोस्ट रन लगाने वाले प्लेयर आ जाते हैं, बल्लेबाजी सेक्शन की बात हो जाए बॉलिंग की दोनों तरफ से आपको अच्छा खासा बेनिफिट दे सकते हैं। लगातार क्लासिकल फॉर्म में चल रहे हैं, T10 में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस बेटर कर चुके हैं टीम अलवेड में से। तो इनके साथ दोस्तों नारायण भी बढ़िया पिकअप रहेगी। रजीत नारायण जो कि अपने लास्ट मुकाबले में 20 रन के साथ 2 विकेट ले चुके हैं, दोस्तों अच्छी पिकअप रहेगी। मीडियम बॉलर आ जाते हैं, अच्छा खासा बाउंस भी करा लेते हैं और पिच को ध्यान में रखते हुए इन चारों को जो ट्राई कर लीजिएगा। तो अभी बात करेंगे बॉलिंग सेक्शन की। दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में पिकअप करेंगे जहां पे अहमद को, इनके साथ हर्षन को ट्राई करेंगे और तीसरी बड़ी पिकअप जो हमारे लिए रहेगी वो दोस्तों रहेंगे के मोहम्मद। दोस्तों तीनों काफी अच्छी क्लासिकल फॉर्म में चल रहे हैं, तीनों लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और तीनों को ज्यादा टीमों के लिए ट्राई कर लीजिएगा। तो दोस्तों इनके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि T10 मैच है तो 3 से ज्यादा बॉलर्स ट्राई मत कीजिएगा, वरना आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है। कोई बॉलर विकेट नहीं निकाल पाता तो आपकी अच्छी खासी टीम भी लॉस में जा सकती है। और फाइनल टीम के लिए वेट कीजिएगा टेलीग्राम पे, लाइनअप सॉर्ट होने का फाइनल टीम आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। थैंक यू।